हम अपने पैड पे लिख के देंगे बाकायदा पेशेंट को, उम्र भर की हमारी गारंटी रहेगी। बाय द वे, किसी भी कारण केस रिक्रेंट करता है तो हम फ्री इलाज देंगे। किस समस्या में आए आप लोग? बवासीर के लिए। जो गुदा मार्ग के अंदर जो पाइल मास होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, उनका इलाज करने के लिए हम प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। ये थ्रेड होता है, ये 2.0 वाला एक थ्रेड होता है। किस तकलीफ में आए आप लोग यहाँ पे? बवासीर की। बवासीर की। यहाँ कुछ दवाई लेने से आराम पाया आप लोगों ने? बिल्कुल आराम हो गया, पहले बहुत जगह दवाई ले चुका था, कोई आराम। गारंटी से हम लिख के देंगे। कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ शाम हॉस्पिटल में ये लेट रेड पे लिख के देते हैं। लिख के देते हैं जी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों, मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल खड़ा हूँ रोहतक शिला बाईपास चौक के ऊपर। ये बाजू में रोड गया है खरखोदा, और ये बाईपास चौक है बिल्कुल शिला बाईपास चौक। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये जो श्याम हॉस्पिटल, आजकल जो है थंबनेल टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा कि बवासीर बकंदर का सफल इलाज आज बल्कि लिखित में देते हैं ऐसा बताया गया है। मैं जाए समय ना गवाते हुए सीधा सीधा डॉक्टर साहब से मिलवाऊंगा आपने, क्या बताया गया है 20 से 25 साल पुराना अनुभवी वैद्य डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। बकंदर और बवासीर का और अन्य कई गुप्त बीमारियों का सफल इलाज होता है। इतना ही नहीं बल्कि पेशेंटों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इनके द्वारा ट्रीटमेंट के बाद किसी बीमारी का अगर दोबारा कोई तकलीफ होती है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। तो तमाम बातों की जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे और आपके सामने रखेंगे जी। मैं ले जाता हूँ और आप लोग साथ साथ ये वीडियो को शेयर भी करते रहना। मैं यहाँ जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। यहाँ जो है पहुंचे हैं काफी चर्चाओं में आपका क्लिनिक है, और ये बताया गया है कि भाई यहाँ से जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा और वही तकलीफ दोबारा हो जाती है तो उसका गारंटी से इलाज होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्या सही सुन रहे हैं जी? बिल्कुल जी, सही सुन रहे हो जी। हाँ जी। अरे खास तौर पर कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है जी यहाँ पे? यहाँ पे बवासीर बकंदर और फीसर का इलाज होता है जी। जी जी। हाँ जी, गारंटी से? तो बिल्कुल गारंटी से, उम्र भर की गारंटी रहती है इलाज करने के बाद। काफी सुखी हमारे जी, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ शाम हॉस्पिटल में लेट रेड पे लिख के देते हैं। लिख के देते हैं जी, जी। उम्र भर की गारंटी रहती है, अगर पेशेंट का इलाज करते हैं ना दोबारा उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके पैसे भी वापस दिए जाते हैं। इलाज करा दो। बिल्कुल जी, फ्री। जी जी। एक दो पेशेंट है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से है सर जी आप लोग? रोहतक से। रोहतक से ही है। किस तकलीफ में आए आप लोग यहाँ पे? बवासीर की दिक्कत। बवासीर की। यहाँ कुछ दवाई लेने से आराम पाया आप लोगों ने? बिल्कुल आराम हो गया, पहले बहुत जगह दवाई ले चुका था, कोई आराम। यहाँ काफी चर्चा में ये हॉस्पिटल जी, और ये भी मानना है डॉक्टर साहब के, यहाँ पूरा स्टाफ पूरी टीम बैठी बता रहे हैं कि गारंटी से इलाज होता है और दो बार तकलीफ होने चाहे पैसे ले लो चाहे इलाज करा लो, क्या सही सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं तो आप लोग इस बारे कह रहे हैं, या सही में यही है? नहीं, हकीकत है, बिल्कुल सच है जी। जी, मैं बहन जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से है बहन जी आप लोग? मैरोली से। मैरोली से रोहतक के इलाज के लिए आए आप लोग? किस समस्या में आए आप लोग? बवासीर के लिए। बवासीर के लिए। कैसे मालूम पड़ा बहन जी आपको यहाँ इलाज होता है? ये हमें किसी ने दिल्ली में बताया था, उनका इलाज यहाँ पे चला है। क्या उनको आराम हुआ? क्या बताया उन्होंने? 2 साल से उनको, मतलब आपको श्याम हॉस्पिटल भरोसा है जी? आपको यहाँ दवाई लेने के बाद कुछ आराम हुआ है? बहुत आराम हुआ है, खाना खा रही हूँ मैं, आपके सामने बैठी हुई हूँ जी। जी जी, तो आराम ही है ना। यहाँ से पहले आपने कितनी जगह इलाज कराया, कुछ आराम पाया वहाँ पे? 3 जगह ऑल इंडिया में कराया मैंने, सफदरजंग में जी, वहाँ से मेरे को आराम नहीं लगा। मैंने 2 महीने इलाज कराया वहाँ से, हर आती थी और फिर वापस जाती थी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, फिर वहाँ पे मुझे नहीं आराम लगा। फिर मैं गांव में कराया मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में 1 महीना इलाज कराया मैंने, एडमिट भी हुई वहाँ पे जी, जी तो भी आराम नहीं हुआ जी। पर जब से मैं यहाँ से 1 महीने से आ रही हूँ 22 दिन से, तो मैं खाना भी खा रही हूँ, मेरा खाना भी छोड़ दिया था डॉक्टरों ने। कई बार ऐसा नहीं होता बहन जी के डॉक्टर के रूप में भगवान या कोई फरिश्ता देखा जाए? कुछ जनता का ऐसा मानना होता है डॉक्टर साहब के लिए जी? तो फरिश्ता ही बोलते हैं, तो हमारे लिए तो ये फरिश्ता ही एक तरह से, जब हमें ठीक कर दिया कि अल्लाह के घर से वापस आए। एक दो बात यहाँ के जो डॉक्टर साहब की टीम है अंदर बैठी है, मैं सीधा सीधा उनके बारे में देता हूँ आपको और मिलवाता हूँ जी। जी नमस्कार जी। ये डॉक्टर साहब क्या चीज सर अपना यहाँ? सर ये ओटी हमारी जी, और हम यहाँ पेशेंट का इलाज करते हैं जी। जी, और हम इलाज केवल और केवल सार सूत्र विधि से करते हैं जी। जी, जो कि ऑपरेशन होने पर ये बीमारियाँ रिकरेंट कर जाता है केस। सर जैसे यहाँ आपकी टीम बता रही है
के गारंटी से इलाज होता है और यहाँ ये बहुत बड़ी बात है जी कि लिखित में देना गारंटी से इलाज करना बहुत बड़ी बात होती है सर। हम अपने पैड पे लिख के देंगे बाकायदा पेशेंट को, उम्र भर की हमारी गारंटी रहेगी। बाय द वे किसी भी कारण केस रिकरेंट करता है तो हम फ्री इलाज देंगे पेशेंट को। आप यहाँ डॉक्टर साहब अपना शुभ नाम क्या है, जनता को थोड़ा बताएं कि लाइव चल रहा है। सर मेरा नाम है डॉक्टर सुमित, HOD ऑफ श्याम बवासीर अस्पताल रोहतक। जी जी। और कुछ एक और जानना चाहूंगा जी मैं, महिलाएं होती हैं गुप्त रोगी का शिकार हो जाती है, वो जो जाने में पूछने में ट्रीटमेंट कराने में सक्षम भी नहीं होती, बता भी नहीं पाती, उन माताओं बहनों को मातृ शक्ति को क्या संदेश देंगे आप लोग? एक्चुअली सर क्या होता है, जो महिला में ये दिक्कत होती है जी, ये मैक्सिमम जो चांस होते हैं वो डिलीवरी टाइम पे होते हैं जी। जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे पुश करना पड़ता है, मतलब जोर ज्यादा लगाना पड़ता है जी। उस कारण महिलाओं में ज्यादातर जो चांस होते हैं फिशर के होते हैं जी। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को जी जी। तो लैट्रिन टाइट आती है या बार बार लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन रास्ता छिल जाता है, कट जाता है, दरारें पड़ जाती है लैट्रिन रास्ते में, वहां पे क्या होता है दर्द और जलन ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या होता है कुछ पेशेंट जैसे हमारे जैसे कोई लेडीज पेशेंट है कहते हैं कि हमें दर्द है जलन है, केमिस्ट के पास जाते हैं नॉर्मली उनको दवाई दे देते हैं, जैसे उसके अंदर एक एंटीबायोटिक होगी, पेन किलर हो गया, सिकाई वाली लगाने वाली, उसको बोलते हैं जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जब तक लेंगे वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुछ टाइम के बाद ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे जो फिशर बनता है लेडीज को या जो भी जेंट्स में है, ये दो प्रकार का होता है फिशर, एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर। एक्यूट फिशर होता है सडनली जो होते हैं जैसे लैट्रिन टाइट आती है, लैट्रिन रास्ता छिल गया, ये होता है हमारा एक्यूट फिशर। इसका इलाज अगर टाइम से लिया जाए मेडिसिन से भी कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो आगे चल के क्या होता है जैसे मेडिसिन लेते चलते रहे, इलाज के पैसे नहीं है या कोई गरीब है या फिर दिखाने में शर्माती है लेडीज पेशेंट, लेकिन इस बीमारी शर्माना नहीं चाहिए। तो क्या होता है क्रोनिक फिशर बन जाता है उनके, उसमें क्या होता है वहां पे जो लैट्रिन रास्ता छिला है उसके अंदर कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी लैट्रिन रह जाती है, कुछ पानी सा लगा रह जाता है, वहाँ इन्फेक्शन फैलने के कारण वहां पस पड़ जाता है, जिसका इलाज मैं केवल और केवल फिशर का लेटरल स्पेक्टमी से इलाज करता हूँ। जैसे कि लेटरल स्पेक्टमी के अंदर ना तो कोई इंजेक्शन दिया जाता ना कोई छार सुतर दिया जाता। हाँ जी, कई जगह ये होता जी इन बीमारियों का ऑपरेशन होते कट पट के बैठ जाते हैं और फिर भी बीमारी जड़ से नहीं जाती, उन पेशेंटों को क्या बताएंगे जी कि यहाँ भी ऑपरेशन करेंगे या बिना ऑपरेशन के इलाज होगा? देखो सर, पहली बात तो ये है आजकल क्या है सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है जी। सभी पेशेंट यही चाहते हैं कि मेरा पैसा भी ना लगे और मैं ठीक भी हो जाऊं। वो बड़े बड़े सेंटरों में जाते हैं, वहां जाते ही सर्जरी करते हैं जिसकी एक मिनट की भी गारंटी नहीं होती है। और हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ आयुर्वेद होता है, सिर्फ छार सूत्र विधि से हम इलाज करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे केस भी करे हैं जिसने दो दो ऑपरेशन करा लिए हैं फिर भी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन जो छार सूत्र विधि से हम करते हैं वो बिल्कुल सेफ इलाज है और उम्र भर की हमारी गारंटी रहती है। एक और चीज जी, यहाँ ट्रीटमेंट सारा एक देसी औषधि आयुर्वेदिक कह सकते हैं उनके द्वारा या इंग्लिश दवाई यूज करते हैं? सर इंग्लिश दवाई नहीं देते हम सिर्फ एक विधि से करते हैं जो कि छार सूत्र विधि है, उसी से हम इलाज करते हैं और वही एक ऐसा इलाज है जो पूर्णतः सेफ है। एक छार सूत्र होता है आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेशेंट को समझाने के लिए धागा बोलते हैं। एक जैसे नॉर्मली कोई धागा होता है 2.0 वाला बार्बर वाला धागा होता है, उस पर क्या होता है दवाइयां लगी होती है, 21 प्रकार की कोटिंग दवाइयां लगी होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 10.4 होती है जिस पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, वह पूर्णतः सेफ है। WHO ने इसका जो रिजल्ट दिया है 98.6 रिजल्ट दिया है और यह पूर्णतः सेफ है जी। पेशेंट का मानना है कि यहाँ जो है गरीब आदमी जो बीमारी का शिकार होता है, गरीब ही होता है वो, उनका मानना है कभी ऐसा ना हो वहां से लूट पुट के कट के ने पैसा भी और शरीर का नुकसान करके ने, और यहाँ के उनका इलाज कॉस्टली ज्यादा महंगा होगा या सस्ता होगा? मैं सीधा सीधा जानना चाहूंगा, चक्कू आपके पास में लंबा छोटा है जी काटने के लिए? चक्कू तो नहीं हमारे पास, जो भी गरीब पेशेंट है हम उनका बिल्कुल जायज इलाज करके देंगे, जो साधु संत हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज करता हूं मैं जी, और समाज सेवा बिल्कुल जिसको आप समाज सेवा कह सकते हैं। देखो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता सर ये चीजें, हम इलाज करके देंगे पेशेंट को। जो गरीब है, जो BPL परिवार है, उनके लिए मेरे पास 50% की सुविधा रहेगी, 50% जो है मैं उनका इलाज फ्री करके दूंगा जी। फिर एक और चीज, 25 साल का अनुभव है
पेशेंटों की कतार है, लुटपुट के बैठे हैं। तो जो सीधा सीधा मैं के जो जितने हमारी जनता जनार्दन देख रही है, मात्र से देख रही है, श्याम हॉस्पिटल रोहतक शिला बाईपास के ऊपर यहाँ आओ और गारंटी से इलाज पाओ, कहीं भी लुटने पिटने की। और जो पैनल के द्वारा जो अपने खाली जो है उनको सीधी सीधे भाषा में लोग साहब ये बोल सकते हैं कि अपना बिल बढ़ाने का मतलब बता सकते हैं उनको सीधा। हाँ जी हाँ जी, क्या होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं, किसी का कैश में है, किसी का इंश्योरेंस में है। कैश वाला जो पेशेंट होता है वो तो कटता ही रहता है बार 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 बार, इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा। जो इंश्योरेंस वाले होते हैं जिसका कार्ड है वो तो ये सोचेगा मेरा तो पैसा लग नहीं रहा। लेकिन क्या होता है, एक कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो सक्सेस नहीं होती ऑपरेशन से। जो लेटरिंग के रास्ते की सर्जरी है वो सक्सेस नहीं होती सर ऑपरेशन से। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, चार सूत्र इसका एक इलाज है जिससे बिल्कुल सफल इलाज कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है जी, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है, बार आपकी टीम से भी किया है कि जनता ये मानना है कि वो कहीं भी ऐसा नहीं मिलता जो लिखित में गारंटी से इलाज करते हो, और आप ये ठोक कर रहे हो कि लिखित में भी चाहे दोबारा तकलीफ हो जाए वो अपना बीमारी का जो पर्चा है उनका वो ले आओ और ये पैसे वापस हो जाएंगे उनके। देखो पहली बात तो ये है, मैं जिस बीमारी का इलाज करता हूँ उसकी उम्र भर की गारंटी रहती है। जी जी। देखो बोलने से नहीं, मैं अपने पैड पे लिख के देता हूँ उम्र भर की गारंटी रहेगी। हाँ जी, मैं अपने पैड पे लिख के देता हूँ उम्र भर की मेरी गारंटी रहेगी। बाय द वे किसी भी कारण केस रिकरेंट करता है तो मैं फ्री इलाज करता हूँ पेशेंट का। जी जी। और बाहर डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं एक दो बात चर्चा उनसे भी करना चाहूंगा क्योंकि काफी पुराने अनुभवी हैं डॉक्टर साहब, एक दो बात इनसे भी लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, एक बार जनता को अपना परिचय और दे दो सर। मैं डॉक्टर राजेश कुमार हूँ जी। जी जी। और मैं बवासीर पिसर बगंदर का इलाज करता हूँ। जी जी। और ये साफ सूत्र से इलाज होता है। जी जी। और 25 साल हो गए मुझे ये इलाज करते, पूरी उम्र की गारंटी होती है इसकी। जी जी। ठीक है ना जी, श्याम अस्पताल में 25 साल से कर रहा हूँ मैं ये काम। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दे दो सर। मैं डॉक्टर ऋषि, और हम देखो ये जो इलाज है हम सात सूत्र द्वारा करते हैं, आयुर्वेद पद्धति से करते हैं। और जो भी विकलांग है, साधु संत है, उनका हम कोई पैसा नहीं देते। और कोई भी गरीब है और वो असमर्थ है देने में, इलाज करने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी हम जैसा भी होगा, जैसा उचित होगा वैसे हम उसके लिए भी छूट कह लो या फिर कंसेशन कह लो, कुछ भी है हम वो करते हैं। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे छुपाया जाए, बहुत साधारण बीमारी है अगर इसका समय पे इलाज हो। अगर समय पे इलाज नहीं होता तो फिर ये असाधारण बीमारी हो जाती है। और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी आपको भी बताया है, और हमारी पूरी टीम है। अभी डॉक्टर साहब थे उनको 25 साल का अनुभव भी है इसमें। तो हम यही कहना चाहेंगे हमारा श्याम अस्पताल एक बार आओ देखो, गारंटी से हम लिख के देंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन कराते हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता ऑपरेशन के बाद के नहीं होगी, कोई इसी चीज बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम गारंटी लेते हैं ये दोबारा से आपको। डॉक्टर साहब कौन सा नुस्खा पाया जी जो आप ठोक के ये करे गारंटी से इलाज और ठीक होगा? डॉक्टर साहब जनता दोबारा फिर आपसे लाइव हो रही है, मतलब तकनीकी कौन सी ऐसी मिली आपने जो बिल्कुल गारंटी से इलाज कर रहे हैं? सर हमारे पास केवल और केवल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सार सूत्र विधि है। मैं आपको सार सूत्र दिखाना चाहता हूँ एक बार, क्या होता है ये सार सूत्र। ऐसे में सार सूत्र की फुल फॉर्म क्या होता है, क्या जनता क्या मानना चाहिए, क्या जानेंगे वो? सर एक ये बार्बर वाला 2.0 वाला एक थ्रेड होता है, इसपे क्या होता है 21 प्रकार की दवाइयां लगी होती है। ये थ्रेड होता है, ये 2.0 वाला एक थ्रेड होता है सिंपल थ्रेड, इस पे 21 प्रकार की दवाइयां लगी होती हैं, जो कि ये एक थ्रेड है सर, ये थ्रेड एक महीने में एक तैयार होता है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू 10.4 होती है जिसपे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। जी। तो तमाम जानकारी आप लोगों ने ली है, और यहाँ कुछ एक दो बातें और भी जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या रखे अपने पास में जी? ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोडिल साइनस, थ्रम्बोज, बवासीर, इन बीमारियों का हम इलाज करते हैं। जी। क्या होता है, जैसे बवासीर होती है उसकी चार स्टेजें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो पाइल मास होते हैं वो गुदा के अंदर होते हैं। जी। जिसका इलाज हम स्क्लेरोथेरेपी, आप कह सकते हो इंजेक्शन थेरेपी से करते हैं। जो गुदा मार्ग के अंदर जो पाइल मास होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के,
उनका इलाज करने के लिए हम प्रोटोस्कोप का यूज करते हैं। प्रोटोस्कोपी करके पाइल मास देखे जाएंगे, उनके उसके द्वारा ही इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर इंजेक्शन, जिसके जिसके साथ इसका इलाज किया जाता है। ये प्रोटोस्कोप होता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो पाइल मास होते हैं ना, उसका इलाज हम स्केलोथेरेपी से करते हैं और उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसका नाम है प्रोटोस्कोप। और थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो पाइल मास होते हैं, उसका इलाज हम केवल और केवल साफ सुथरी विधि से करते हैं। क्या होता है, थर्ड ग्रेड में मस्से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं गुदा मार्ग से। जी जी। कुछ टाइम के एक स्टेज ऐसी आती है थर्ड स्टेज में ही कि जो पाइल मास है वो बाहर आएंगे और हाथ से अंदर करने पड़ेंगे। जी जी जी। और एक स्टेज ऐसी आएगी बवासीर की, जिसको हम लास्ट एंड फाइनल स्टेज बोलेंगे, छोटी स्टेज बवासीर की। मस्से परमानेंट बाहर आने लग जाएंगे, हाथ से अंदर करने पर अंदर नहीं जाएंगे, और उसका इलाज हम केवल और केवल सार सूत्र विधि से करते हैं, जो कि पूर्णतः सेफ होता है सफल इलाज के। बिल्कुल। फिर एक और चीज थी, जैसे आपने बता दिया बीपीएल के लिए, महात्मा के लिए काफी मात्रा छूट के मुताबिक इलाज होता है। जो एक आम पेशेंट होता है वो भी गरीब ही होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल टक्कर खा के आता है, शरीर का भी नुकसान और पैसे का भी। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहूंगा, ये इलाज अपना इंग्लिश दवाई से महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, या ज्यादा लंबा समय चलेगा, सफल इलाज के लिए क्या संदेश देंगे आप? सर हम आपको बता दें, जो इंग्लिश दवाई है जिसको एलोपैथिक बोलते हैं, वो इलाज बहुत ही महंगा होता है। जैसे कि मान लो 40-50 हजार रुपए तो सर्जरी के ले ही लेते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन मैं उनका इलाज बहुत सस्ते में, अच्छा इलाज और गारंटी के साथ इलाज दूंगा। जो ऑपरेशन कराते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उसकी एक मिनट की भी गारंटी नहीं होती है, और मैं अपने इलाज की उम्र भर की गारंटी लेता हूँ। तो भाई ये आप लोगों ने देखा है शीला बाईपास श्याम हॉस्पिटल, सबसे बड़ी बात है नाम ही ऐसा रखा गया है, श्याम, श्याम बाबा। हारे का सारा वो हमारा ही नहीं, आप सबका भी सारा है, बाबा श्याम हमारा, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। शीला बाईपास चौक के ऊपर बिल्कुल खुरखोदा रोड गया, इसके बिल्कुल टर्निंग पे, टर्निंग पॉइंट पे बोर्ड के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे शीला बाईपास चौक श्याम हॉस्पिटल, सफल इलाज। और ये इलाज की गारंटी हॉस्पिटल के टीम की, डॉक्टरों की है, हमारी नहीं। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, कभी मारे बन लट ले खड़े हो जाओ आप लोग कि जी आपने गारंटी ली थी, क्यों डॉक्टर साहब सही है गलत है जी? हाँ जी बिल्कुल जी। तो इसमें ज्यादा शेयर कर देना, जितना शेयर करेंगे उतने ही हमारी मातृ शक्ति भी, तमाम पेशेंट जो है इलाज पाएंगे और आराम पाएंगे, साथ में पैसे का शरीर का भी लाभ उठाएंगे। तो इसमें ज्यादा कहने को कुछ नहीं, थोड़ा कहने को ज्यादा समझना, और इसको ज्यादा शेयर करते रहना बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद, सत्यमेव जयते।